सो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10th के चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। इससे पहले भी मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इसी चैप्टर के डिस्कस किए हैं अपनी प्रीवियस वीडियोज में। उन वीडियोज का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उन वीडियोज को भी जरूर देखें। और अगर वीडियोज अच्छी लगें तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1। गिवन है कि दो नंबर्स का सम जो है वो 11 है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, नंबर्स एज्यूम कर लेते हैं x एंड y। ठीक है, गिवन है कि सम जो है दोनों नंबर्स का वो 11 है। अब उनके रेसिप्रोकल का सम, मीन्स अगर हम 1 बाय एक्स और 1 बाय वाई कर लें तो इन दोनों का सम क्या है, 11 बाय 28। तो अब आप इसमें एलसीएम लीजिए और x प्लस वाई को आप यहां से पहली इक्वेशन से 11 लिख सकते हैं 28। तो आप ये और ये कैंसिल कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सो एक्स वाई इज इक्वल टू 28। सिंपल है। तो अब आप फर्स्ट इक्वेशन से वाई को क्या लिख सकते हैं, 11 माइनस एक्स, ठीक है, जीरो। माइनस कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 28 इज जीरो। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, तो मिडिल टर्म को आप स्प्लिट करिए इस तरह से कि प्रोडक्ट जो है वो 28 आए। तो देखिए x की दो वैल्यूज आ गई, अगर हम x को 4 लेते हैं तो y क्या हो जाएगा, यहां पर 11 माइनस 4 दैट विल बी 7, और अगर x को आपने 7 लिया तो y क्या हो जाएगा, 11 माइनस 7 दैट इज 4। तो आप क्रॉस, यही आपके दो नंबर्स हो गए एंड इट्स सिंपल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सिंपली इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, मीन्स x की वैल्यूज आपको फाइंड करनी है, ठीक है। और यहां पर गिवन है कि x 0 और माइनस 1 नहीं हो सकता, मीन्स अगर वो 0 होगा तो ये टर्म नॉट डिफाइंड हो जाएगी, और माइनस 1 हुआ यहां पर तो ये 0 हो जाएगा डिनोमिनेटर, तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपली आप क्या कीजिए, इस माइनस 1 को राइट हैंड साइड पे ले लीजिए और आपने यहां पर एलसीएम लिया, सो दिस विल बी एक्स प्लस 1 15 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है। अब आप सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 16, सो दिस इज 16x प्लस 16x प्लस एक्स स्क्वायर, तो 16x कैंसिल हो गया, तो x की दो वैल्यूज आ गई क्योंकि यहां पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो रही थी। तो हमने प्लस माइनस 4 इसलिए लिया क्योंकि अगर आप प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तब भी 16 आएगा और माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे तब भी 16 आएगा, सो इट्स सिंपल। सो थर्ड क्वेश्चन सेज कि आपको a की वो वैल्यूज बतानी है जिस पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कोई भी रियल रूट नहीं हो। रियल रूट्स कब नहीं होती, जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो हो, मीन्स नेगेटिव हो। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन जीरो। बी क्या है, कोफिशियंट ऑफ एक्स दैट इज माइनस ए होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या होता है, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज प्लस 1। सी क्या होता है, कॉन्स्टेंट दैट इज प्लस 1। सो दिस इज इक्वल टू ए, यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं और कह सकते हैं ए प्लस 2 इंटू ए माइनस 2, जहां पर एक्स क्या है ए और वाई क्या है 2 इज लेस देन जीरो। इस इनइक्वालिटी का मतलब क्या है कि दो नंबर्स हैं a प्लस 2 और a माइनस 2 जिनका प्रोडक्ट करने पे नेगेटिव आ रहा है, और प्रोडक्ट नेगेटिव कब आता है दो नंबर्स का, जब उनमें से कोई एक नंबर नेगेटिव हो। अब हमें ये नहीं मालूम कि इनमें से कौन सा नंबर नेगेटिव है, तो हम पहला केस ले लेते हैं जिसमें हम a प्लस 2 को कह देते हैं कि ये नेगेटिव है और पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहां से a इज लेस देन माइनस 2 एंड a इज ग्रेटर देन प्लस 2। तो अब आप नंबर लाइन यहां पर ड्रॉ कीजिए, लेस देन माइनस 2 के लिए सारी वैल्यूज इधर होंगी, ठीक है, और ग्रेटर देन 2 के लिए सारी वैल्यूज यहां पर होंगी। तो यहां पर आप कह सकते हैं कि a की कोई भी वैल्यूज जो हैं वो कॉमन नहीं है, तो ये केस नहीं होगा। आप सेकंड केस लेके देखिए जिसमें आप कह देते हैं कि a प्लस 2 पॉजिटिव है और a माइनस 2 जो है वो नेगेटिव है। तो यहां से a इज ग्रेटर देन माइनस 2 और a इज लेस देन 2, तब आप नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए और a इज ग्रेटर देन माइनस 2, माइनस 2 से बड़ा मीन्स ये वाली वैल्यूज आएंगी, a इज लेस देन 2, लेस देन 2 मीन्स ये वाली वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। तो जो वैल्यूज इंटरसेक्ट कर रही हैं वो इस इंटरवल के बीच में कर रही हैं, ठीक है। तो a की क्या वैल्यूज होनी चाहिए, a शुड बी लेस देन 2, ठीक है, और ग्रेटर देन माइनस 2। तो a की इन वैल्यूज पर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कोई भी रियल रूट नहीं होगी एंड इट्स सिंपल। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन सेज कि एक टू डिजिट नंबर है जिसके डिजिट्स का प्रोडक्ट 27 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक टू डिजिट नंबर एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो यूनिट डिजिट क्या है, वाई, और टेंस प्लेस पे जो डिजिट है वो है एक्स। तो आपको गिवन है कि डिजिट्स का प्रोडक्ट क्या है, 27। ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई। आगे गिवन है कि जब 54 सब्ट्रैक्ट करते हैं हम नंबर में से, मीन्स ये टू डिजिट नंबर है, इसमें से अगर आप 54 घटाते हैं तो जो डिजिट्स हैं उनकी प्लेसेस इंटरचेंज हो जाती हैं, मीन्स टेंस प्लेस पे वाई आ जाता है
और यूनिट प्लेस पे टेंस प्लेस वाला नंबर चला जाता है, ठीक है। अब आप इसे सिंप्लीफाई कीजिए, तो आप यहां से कह सकते हैं 10 माइनस 1 दैट विल बी 9x, सिमिलरली 1 माइनस 10 दैट विल बी माइनस 9y इज इक्वल टू 54। सो ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई। तो आप क्या कीजिए कि हमें गिवन है x इंटू वाई इज 27, ठीक है। तो आप y को यहां से क्या लिख सकते हैं, x माइनस 6, ठीक है, x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 27 इज 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई, तो इसे आप सिंप्लीफाई कीजिए। माइनस 9 प्लस 3 क्या होता है, माइनस 6, और माइनस 9 इंटू 3 करेंगे तो माइनस 27 मिलेगा। तो यहां से x आ गया माइनस 3 और 9। तो हम नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे क्योंकि सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज की बात हो रही है यहां पर। तो x को आपने 9 कह दिया, तो y यहां से क्या हो जाएगा, सिंपली y क्या है इस इक्वेशन से, x माइनस 6, ठीक है। तो दिस इज 9 माइनस 6 विल बी 3। तो नंबर क्या हो गया यहां से, तो देखिए टू डिजिट नंबर हो गया 93, यही आपको फाइंड करना था, एंड इट्स सिंपल। सो इस वीडियो में बस इतना ही, और क्वेश्चंस इसी चैप्टर के मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। उम्मीद करती हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, क्वेश्चंस समझ आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए टू स्टे इन टच विद मोर सच अपडेट्स। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ।